सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर राहुल है। कहाँ से आए आप? मैं डोंबिवली से आया हूँ सर। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली एक डेढ़ साल पहले सर मैं एक सैलून में गया था। हाँ। तो वहाँ पे हेयर कट करते करते उसने मेरा जो ये सिर है वो क्रैक करने के लिए एक साइड बेंड कर दिया। अच्छा, तो तभी से मेरे को नेक्स्ट डे से वर्टिगो का प्रॉब्लम है दिन भर। और जैसे ही मैं ऐसा प्रेस करता हूँ यहाँ वहाँ करते हैं पीछे गर्दन करता हूँ तो यहाँ पे क्रैकिंग होता है हर बार। ओके ओके ओके। और फिर दिन भर मेरे को वर्टिगो रहता है, कैसे भी मैं कहीं भी कुछ भी करूँ तो वर्टिगो का प्रॉब्लम है। तो कब से है तकलीफ है ये? 1.5 ईयर हो गए। इसलिए मैंने ट्रीटमेंट करा है डोंबिवली में बहुत जगह, जो बोन स्पेशलिस्ट हैं तो वहाँ पे मेरे को इतना इफेक्टिव नहीं हुआ क्योंकि मेडिसिन का वर्टिगो का कोई तकलीफ मतलब कम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे पेन भी रहता है वो भी कुछ इफेक्ट कम नहीं हुआ। अच्छा तो सर का आपका थोड़ा नेक भी आपका देखिए थोड़ा सा मतलब है ना पोस्टर आपका। हाँ, वो मैंने वहाँ पे दिखाया था, वो भी बोल रहे हैं कि आपका थोड़ा पोस्टर क्रॉस हो चुका है, मतलब बैंड हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद में अभी और क्या ट्रीटमेंट चल रहा है आपका? ट्रीटमेंट तो वो मेडिसिन है बट मैंने नहीं लिया अभी, मैं खा नहीं रहा उसको क्योंकि वो उतना इफेक्टिव है नहीं। एक डेढ़ साल हो गया तो इफेक्टिव नहीं है तो मैंने वो खाना ही छोड़ दिया। बोला अब ट्रीटमेंट जो भी है, रवि सर का यूट्यूब पे चैनल देखा मैंने तो फिर मैं वहां से कांटेक्ट जो भी डिटेल से लेके यहाँ पे विजिट किया हूँ अभी। ठीक है सर, कोई बात नहीं, अपन ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, इनका एक्चुअली देखिए लॉर्डोसिस हो चुका है, सर्वाइक पूरा से बदल चुका है, स्ट्रेट हो गया एकदम, लॉर्डोसिस का प्रॉब्लम है। एक्चुअली इनका जो प्रॉब्लम है, सलून में बाल कटने गए थे जब उस वक्त वो सलून वाले ने उनका जो नेक को थोड़ा सा घुमा लिया, उसके बाद में उनका वर्टिगो का प्रॉब्लम हो चुका है। देखिए आप देख सकते हैं ये कैसा हुआ करते हैं। ठीक है, तो हम अभी इनको ट्रीटमेंट दे देंगे। देख सकते हैं आप एक पेशेंट का जो है ना ऑक्सीपिटल इनबैलेंस है इनका जो है, देखिए ये जो है ना ये अप है ये डाउन है, इसी की वजह से इनको चक्कर आ रहा है। ये वर्टिगो बोलते हैं, वर्टिगो जो होने का इनका कारण जो है तो इनका जो है C1 C2 को भी मतलब नर्व कॉम्प्रेस हो चुके हैं इसके लिए, और ये जो है ना ऑक्सीपिटल इनबैलेंस हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये जो है लेन देखिए इसका एक क्रॉस हो चुका है, अप एंड डाउन है, इसके लिए इनको चक्कर आ रहा है, वर्टिगो का तकलीफ हो रहा है इनको। एकदम नॉर्मल ओके, रिलैक्स, नॉर्मल एकदम नॉर्मल। बस पहले से थोड़ा पहले अकड़ा हुआ लग रहा था। हाँ, अभी चक्कर जैसे लग रहा है अभी? नहीं नहीं, अभी प्रॉपर एकदम ऐसा स्टैंडिंग कर रहा हूँ तो अच्छा है थोड़ा। अच्छा, तो पहले खड़े रहने पे सर घूमते रहता है। हाँ, अभी घूम नहीं रहे ना? नहीं नहीं अभी प्रॉब्लम। ठीक है, आपको और सेटिंग लेना पड़ेगा। ओके सर, और सर के नीचे पिल्लो लेना नहीं है बड़ा। ठीक है, और हमेशा उठते हो तो आपको वन साइड लेके उठना है। हाँ, मैं वन साइड से ही उठता हूँ। और फिलहाल अभी तो ट्रीटमेंट चालू है तो अभी कोई वेट का काम आपको नहीं करना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ओके सर, थैंक यू।